अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जिंजर स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं जिंजर स्पोर्ट्स शो। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा है कि मोहम्मद नवाज़ ने जो किया वो गलत था और वो नहीं करना चाहिए था उनको। बट अब बंगाली फैंस जो है ना जी वो कह रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद नवाज़ ने जो किया वो चीटिंग है। क्या वो असल में चीटिंग थी या नहीं थी वो डिस्कस करूँगा। क्लियर इसके ऊपर बात करेंगे जी। नंबर 2 के ऊपर आपके साथ आज इस शो के अंदर बात करेंगे। सरफराज अहमद ट्रेंड कर रहे हैं, उन पर पाकिस्तानी फैंस काफ़ी ज़्यादा एंग्री नजर आ रहे हैं। क्यों? और शोएब मलिक क्यों छोड़ के गए यहाँ से, आखिरी T20 मैच छोड़ के क्यों गए वो, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक लास्ट में देखना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले नवाज़ से शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नवाज़ के बारे में जब एक ट्रेंड चल रहा है बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, काफ़ी जगहों पे बात की जा रही है कि नवाज़ ने जो किया वो चीटिंग की थी। तो सबसे पहले ये चीटिंग के जुमरे में नहीं आएगी क्योंकि महमूदुल्लाह ने उनको कहा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया और उन्होंने उनको अगली बॉल करवाए। लेकिन यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि नवाज़ ने गलत भी नहीं किया। या जो लोग पाकिस्तान से कह रहे हैं नवाज़ ने गलत नहीं किया उनसे मैं बिल्कुल डिसएग्री करूँगा। वो दो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट वो दे रहे हैं कि महमूदुल्लाह ने भी तो बाद में किया, पहली बात महमूदुल्लाह ने कब किया बाद में किया। एक दूसरा आर्गुमेंट और उसके बाद दे रहे हैं दूसरा आर्गुमेंट। ये सारे दे रहे हैं कि नवाज़ जो है महमूदुल्लाह जो है उन्होंने काफ़ी पीछे से बॉल करवाई, 4 फीट पीछे से करवाई, इसलिए मोहम्मद नवाज़ ने नहीं किया। तो यार वो बॉल बाउंड्री से जाके करवाए, अगर एक ठप्पा लगाए बल्कि जैसे भी लगाए आपका काम खेलना है। That is not यार, वो एम्पायर के पीछे से बॉल करवाने तो मैं नहीं खेलूंगा। किस रूल में लिखा है ICC के कि एम्पायर के सामने पीछे से 4 फीट पीछे या 6 फीट पीछे से बॉल करवाएगा तो नहीं खेली जा सकेगी? कहाँ लिखा है? वो लेंथ ऐसी थी जहाँ पे मोहम्मद नवाज़ उस लेंथ को नहीं खेल सकते थे। और लोग कह रहे नीचे देख रहे, कब नीचे देख रहे थे यार? वो ऐसे ऐसे बैट पकड़ के 2 दफ़ा उन्होंने नीचे ज़मीन पे बैट मारा है। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप? वीडियो देखें, 2 दफ़ा ज़मीन पे बैट मारा उन्होंने। वो देख रहे सामने बॉल का ठप्पा लगा है, एकदम पीछे हो गए, एकदम पीछे हुए। वो ऐसा नहीं है कि वो जब आपके आँख में कुछ चला जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो आप सोचते हो यार मेरी आँख में चला गया या ये हो गया वो हो गया, तो आप एकदम साइड पे हो जाते हो। आप ऐसे नहीं साइड में और रुक जा, आप ऐसे साइड पे होते हो, आप ऐसे साइड पे हो जाते हो, ऐसे नहीं। ये क्या मजाक है? ऐसे वो साइड में यार तुम ऐसी बॉल क्यों करवा रहे हो? दैट इज हाउ आई गॉट अ साइड। ऐसे नहीं यार वो ये सॉरी मुझे स्क्रीन का मसला हो गया, ये हो गया वो, नो वो जैसे यार तुम ऐसी बॉल करवा रहे हो, तुम क्यों करवा रहे हो ऐसी बॉल? दैट वॉज वट Nawaz from facial expressions seemed like, and that was the case. That is not acceptable. Coming on to Sarfaraz, बाकी cheating नहीं थी है, but that wasn't a good act. That wasn't a good act at all. Coming on to the second thing, Sarfaraz Ahmad social media के ऊपर इस पर ट्रेंड कर रहे हैं। लोग काफ़ी उनसे नाराज़ हैं कि यार सरफराज छक्का नहीं मार पाया, सरफराज से खेला नहीं जा रहा। तो पहली चीज़ तो सरफराज से छक्का नहीं मारा जाता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यार वो किस पॉइंट पे खेलने आए थे? क्या ये जगह थी यहाँ पर सरफराज अहमद को खेलना चाहिए था? आप खुद ही बताएं, क्या सरफराज अहमद को वनडा आना चाहिए था? मेरा ख्याल है नहीं आना चाहिए था। हैदर अली को आना चाहिए था ना, यंगस्टर है। बट इस पॉइंट पे जब इनिंग्स खत्म होने वाली है तो सरफराज इज नॉट अ फिनिशर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इज नॉट अ फिनिशर, इज नॉट द प्लेयर हु कैन गेट 2 सक्सेस बैक टू बैक एंड गेट यू इन द मैच। इज नॉट अ प्लेयर लाइक दैट। उनको अगर आपने लाना तो यार 10 ओवर में अगर आपकी 2 ऊपर से विकटें गिर जाती हैं, 3 गिर जाती हैं, वो उस पॉइंट पे आपको इनिंग्स बिल्ड करके देंगे। वो ये प्लेयर नहीं है कि वो आगे छक्के मारने लग जाएंगे। अगर वो छक्के मारते भी तो 1-2 छक्के मारेंगे, अपना टाइम लेके मारेंगे। वो आज नहीं लगा, एक मैच था, एक मैच में आप जज नहीं कर सकते किसी प्लेयर को, बट उनको मेरे ख्याल से चांसेस मिले थे जो कि उन्हें नहीं मिलेंगे। तो मेरा निहाल इस पर बात करने का कोई फायदा। कम ऑन टू द लास्ट थिंग, शोएब मलिक के बारे में मुझे न्यूज़ आ रही है। शोएब मलिक सन जो है ही इज़ नॉट वेल, सो दैट इज़ व्हाई शोएब मलिक एक्चुअली वेंट बैक टू दुबई और वो आज आखिरी मैच नहीं खेल पाया पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का, उनकी जगह सरफराज अहमद आए। तो ये आज की यही आज की वीडियो थी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में लगे बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आपसे मिलूंगा मैं अगली वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, फेसबुक पे आप देख रहे हैं फेसबुक पेज को लास्ट में से फॉलो कर लें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।